माँ भारती को प्रणाम करता हूँ, आप सब के गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ। बच्चों ढेर सारा लाड प्यार और सभी लोगों को सुबह सुबह की राम राम और साथ साथ गणपति बप्पा मोरिया। अब देखिए भगवान गणपति के दिवस चल रहे हैं और इन दिवस में बहुत सारे पुण्य कार्य हो सकते हैं। आज पेरेंटिंग टिप में उसी के बारे में एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ और साथ साथ आज का दिन तो बेहद शुभ है क्योंकि देवी राधा से ये दिन जुड़ा हुआ है, राधाष्टमी है आज, और साथ ही साथ भगवान विश्वकर्मा से ये दिन जुड़ा हुआ है। तो इन दोनों को हृदय से प्रणाम करता हूँ और आज भगवान विश्वकर्मा को जो ज्ञान भगवान विष्णु जी ने भगवान मनु के माध्यम से पहुँचवाया था उसके बारे में आपसे चर्चा करूँगा, जिसमें कुछ कोणों के बारे में चर्चा करूँगा और कुछ विशेष पौधों के बारे में चर्चा करूँगा। ये चर्चा करनी इसलिए आवश्यक है क्योंकि यदि आपका भाग्य का मालिक बहुत प्रबल हो और उसी का समय उसी की दशा भी चल रही हो, परंतु आपका वास्तु यानी जहाँ आप रहते हैं वहाँ नकारात्मक ऊर्जाओं का स्रोत प्रबल हो, तो आपकी कुंडली के ग्रह भी अच्छे परिणाम नहीं दे पाते हैं। इसीलिए यही कारण रहा मत्स्य पुराण में भगवान विष्णु जी ने यह ज्ञान मनु को दिया। मनु से यह ज्ञान अनेक ऋषियों तक पहुंचा, भगवान विश्वकर्मा तक भी पहुंचा और उसके बाद उन्होंने सृष्टि की कुछ ऐसी रचना करी, निवास स्थान की कुछ ऐसी रचना के सूत्र दिए जिससे मनुष्य खुशहाल रह सके, स्वस्थ रह सके, शांत रह सके। आजकल बहुत सारी समस्याएं वास्तु की वजह से हो रही हैं, यद्यपि सभी समस्याओं पर हमारा नियंत्रण नहीं हो सकता। ये भी सच्चाई है कि अथर्ववेद के अनुसार चले तो भी और चाहे हम मत्स्य पुराण के अनुसार चलें तो भी, विष्णु पुराण के अनुसार चले तो भी, अनेक पुराणों के अनुसार और वेद यजुर्वेद और अथर्वेद के अनुसार वास्तु की रचना आज की दुनिया में संभव नहीं है, लेकिन कुछ विशेष कार्य ज़रूर किए जा सकते हैं। जैसे कोण बहुत महत्वपूर्ण हैं, इन कोणों के बारे में आप समझ लीजिए और तोड़फोड़ की ज़रूरत नहीं, कुछ ना कुछ ऐसा रास्ता आप स्वयं निकाल लेंगे। मैं आपको आधारभूत सिद्धांत बता दे रहा हूँ क्योंकि यदि वहाँ समस्या है तो आपकी कुंडली के ग्रह भी अच्छे परिणाम नहीं दे पाएंगे। जैसे बहुत सीधी सी बात है, पूर्व का स्थान होता है सूर्य का स्थान, यहाँ से सूर्य की किरणें घर में प्रवेश करती हैं, यह विषाणु मारती हैं और घर की ऊर्जा को सकारात्मक बना देती हैं। तो यदि आपके घर में सुबह सुबह कहीं से सूर्य की कुछ किरणें आ जाती हैं, सूर्य की कुछ रोशनी आ जाती है, तो आपका भाग्य पक्ष प्रबल होता है, संतान पक्ष प्रबल होने लगता है। लेकिन यदि आपके घर में पूर्व की ओर ऊंची ऊंची दीवारें हैं या खिड़कियां आपकी बंद रहती हैं या उस पर पर्दे पड़े रहते हैं, वहां का दरवाजा बंद रहता है, कहने का अर्थ यह है कि सुबह सुबह सूर्य उदय से 48 मिनट के भीतर या एक घंटे के भीतर सूर्य की कोई भी किरण आपके घर में प्रवेश नहीं करती है, तो उस घर का सूर्य कमज़ोर हो जाता है और आप स्वयं देखिएगा वहाँ रोग हमेशा रहेंगे, प्रतिष्ठा हमेशा कम रहेगी और पुरुष बुजुर्ग जो हैं उनके स्वास्थ्य पर हमेशा समस्याएं रहेंगी और पिता और संतान का संबंध क्षीण होगा। तो क्या करें, पूर्व की दिशा से कुछ ऐसा कीजिए, अपना दिमाग लगाइए ना इसमें, कुछ ऐसा कीजिए कि वहां सूर्योदय से एक घंटे के भीतर सूर्य की कुछ किरणें दिखाई देने लगे और किचन में सूर्य की किरणें अवश्य होनी चाहिए। ठीक, ये दो कुछ उपाय आप कर लीजिएगा। ऐसे ही उत्तर उत्तर पूर्व और बाकी दिशाओं का हाल मैं अभी आपको बता रहा हूं, लेकिन फटाफट मेष वृषभ मिथुन और कर्क राशि का हाल जान लीजिए। मेष राशि, भाग्य पक्ष आपका बेहतर है इसलिए बहुत मेहनत करने के उपरांत आपको अच्छे परिणाम जरूर प्राप्त होंगे। इस दिन आप कुछ अच्छे बड़े निर्णय भी ले सकते हैं, लेकिन एक सावधानी जरूर रखिएगा, अपने माता पिता के साथ संबंध अच्छे रखने की कोशिश करें और साथ ही साथ उनके स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान रखें। उपाय क्या करना है, कुत्तों को भोजन कराइए, अपने काम पर जुट जाइए, प्रभु सब ठीक करेंगे।
वृषभ राशि, भाग्य पक्ष थोड़ा सा कमजोर है, बस सोच समझ कर निर्णय लीजिएगा, जल्दबाजी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आज आराम भी कीजिएगा, मन को आराम दीजिएगा, नहीं तो चिड़चिड़ापन आपको घेर सकता है। एक सावधानी जरूर बरतिएगा, यदि आपको पीठ की कोई दिक्कत रहती हो तो इस दिन आराम करें। उपाय क्या करना है, दिन को बेहतर बनाने के लिए आपने उड़द की दाल का दान अवश्य करना है। मिथुन राशि, भाषा की वजह से कहीं कोई दिक्कत हो सकती है, जिससे आपके दाम्पत्य जीवन में या आपकी पार्टनरशिप में या मित्रों के साथ कहीं कोई दिक्कत भी हो सकती है, वाद विवाद भी हो सकता है। सावधानी, इस दिन धन को लेकर थोड़ा सावधान रहें। वैसे भाग्य पक्ष ठीक है, इसलिए कोई बहुत चिंता की बात नहीं है, लेकिन एक उपाय जरूर कर लीजिएगा, इस दिन ओम गंग गणपताय नमः का जप करें, फिर अपने काम पर जुटें। कर्क राशि, घर गृहस्थी के लिए दिन बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता, मित्र के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये दिन बहुत अच्छा नहीं है। जहां आप कार्य करते हैं वहां थोड़ा लो प्रोफाइल रखिएगा, नहीं तो वाद विवाद हो सकता है। एक सावधानी जरूर बरतें, इस दिन किसी को धन उधार ना दें। उपाय क्या करें, दिन को बेहतर बनाने के लिए आप 5 फलों का दान अवश्य कर दें और ओम नमः शिवाय कहते हुए अपने काम पर जुटें। और अब पेरेंटिंग टिप, यदि बच्चों का कंसंट्रेशन कम होता है या बच्चों में घबराहट होती है या उनके इम्तहान पास आने पर उनको परेशानियां होने लगती हैं, ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है या फिर कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, दोनों ही परिस्थितियों में उनके एग्जाम अच्छे नहीं होंगे, ऐसे में क्या करना शुरू करें। स्फटिक के गणेश जी पर नियमित रूप से पंचामृत का अभिषेक करें। कितने दिन? 43 दिन। अभिषेक में वह थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा चंदन और पंचमेवा अवश्य डालें, ठीक है। इस अभिषेक के उपरांत जल से स्नान कराकर ओम गंग गणपताय नमः का 11 बार वो जप कर लें, फिर अपनी पढ़ाई शुरू करें और आप देखना उनके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, कंसंट्रेशन बेहतर होगा और एग्जाम में पास होने के चांसेस फुल हो जाएंगे। अब उत्तर दिशा का एक सूत्र सुन लीजिए। अगर आपके घर के उत्तर की दिशा बंद हो गई है या वहाँ ऊंची दीवारें या ऊंचे पेड़ हैं जिससे हवा और रोशनी नहीं आती है, तब आपको आर्थिक संकट से जूझना पड़ेगा। आपका 9वां भाव, 10वां भाव, 11वां भाव, दूसरा भाव कितना ही बेहतर क्यों ना हो, लेकिन आपको संघर्ष से ही अर्थ प्राप्ति होगी और धन ऐसी जगहों पर ज़्यादा टिकता नहीं है। क्या करें, कुछ ऐसा दिमाग लगाइए कि उत्तर की दिशा में कोई बड़ी खिड़की, दरवाज़ा ऐसा कुछ अवश्य हो जाए जिससे वहाँ से रोशनी हवा आवे, आपके घर की स्थिति बेहतर होगी। सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक राशि का हाल जानते हैं। सिंह राशि, दिन आपके लिए अच्छा है, भाग्य बल मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा है, आगे बढ़ने के चांसेस आपके बेहतर होंगे। बस एक सावधानी, इस दिन धन को लेकर थोड़ा सा अलर्ट रहें। उपाय क्या करना है, सूर्य को जल दें, फिर अपने काम पर जुटें, फिर सब ठीक करेंगे। कन्या राशि, आपको ध्यान रखने की जरूरत है, खासतौर से यदि आपके सर या आंख में कोई दिक्कत रहती है तो विशेष रूप से अलर्ट रहिएगा। सावधानी क्या रखनी है, इस दिन वाहन ध्यान से चलाएं। उपाय क्या होगा, इस दिन आप गेहूं या आटा किसी जरूरतमंद को जरूर बांट दीजिएगा, फिर अपने काम पर जुटिएगा, प्रभु सब ठीक करेंगे। तुला राशि, वक्त अच्छा है, इस वक्त का सदुपयोग कीजिए, रिश्ते जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं, शत्रु शांत रहेंगे, जम के काम कीजिए, लेकिन धन के मामले में ये दिन अच्छा नहीं है और प्रतिष्ठा का आपको विशेष ख्याल रखना होगा, अपने पिता अपने भाई बहन का भी विशेष ध्यान रखें। उपाय क्या करेंगे, दिन को बेहतर बनाने के लिए लोगों को जल पिलाइए। वृश्चिक राशि, दिन आपके लिए अच्छा है, लाभप्रद दिन है, आपको इस दिन से लाभ जरूर होगा, आप खूब मेहनत करें। हाँ, एक सावधानी जरूर वो लोग रखें जिनके पेट खराब रहते हैं, बाकी एक उपाय कर लीजिएगा, सूर्य को जल दीजिएगा, ओम नमः शिवाय का जप कर लीजिएगा, फिर काम पर जुट जाइएगा, प्रभु कृपा से काम बनेंगे, सुख शांति आएगी। और अब उनकी बात जिनका है आज जन्मदिन। दीर्घायुरारोग्यमस्तु, सुयशः भवतु, विजयः भवतु, जन्मदिन शुभेच्छा। आपके आगे आने वाले 12 महीने बहुत अच्छे, जम के काम कीजिए, नया कुछ बढ़िया होने का संकेत मिल रहा बड़ा स्पष्ट, और ये
एक बड़ा अध्याय आपके जीवन में जोड़ने वाला सिद्ध हो सकता है साल। इसीलिए इस साल का एक एक क्षण सदुपयोग मिलाइएगा, बड़े सकारात्मक रहिएगा, अपनी ऊर्जा नकारात्मक कार्यों में वेस्ट मत कीजिएगा। तो जम के मेहनत करें, आपको लाभ होगा। नया घर, नए रिश्ते, प्रमोशन, नई पढ़ाई, नया स्कूल, नया स्थान, कुछ भी हो सकता है। इसीलिए बस कुछ सावधानी लेकिन रखिएगा और काम पर जुटे रहिएगा। सावधानी क्या, घमंड नहीं आना चाहिए। दूसरी बात, अनर्गल रिश्ते मत जोड़िएगा, बहुत ध्यान से मेरी बात को समझ लें। तीसरी बात, किसी को भी जोश में आकर धन, राज और अपने दस्तावेज नहीं देने हैं। और उपाय क्या करेंगे, रोजाना बड़े बुजुर्गों के चरण स्पर्श करें और कुछ वक्त बुजुर्गों के साथ बिताएं और अपनी प्लानिंग में उन्हें बाकायदा शामिल करें, तरक्की होगी। ऑल द बेस्ट। उत्तर पूर्व की बात करते हैं, ये सबसे पवित्र दिशा है, यहाँ पर पूजा पाठ होनी चाहिए, यहीं पर पढ़ाई होनी चाहिए और जो विशेष प्लानिंग है आपके जीवन की वो भी इसी दिशा में बैठ के कीजिएगा और ख़ास मंत्रणाएँ हैं वह भी इसी दिशा में बैठ के कीजिएगा। लेकिन अगर ये दिशा बंद है तो गड़बड़ है, लेकिन इस दिशा को बेहतर करने का एक उपाय है। अगर ये बंद है और आप उसे खोल नहीं सकते तो वहाँ पर जल का कोई स्रोत बना दीजिए। पश्चिम दिशा की बात करता हूँ, गड़बड़ क्या करते हैं बहुत सारे लोग, पश्चिम दिशा को खोल देते हैं। पश्चिम दिशा बंद रखनी है, वहाँ स्टोर बना लीजिए। लोग उत्तर में या जिन लोगों के भी स्टोर हैं पूर्व में, उत्तर उत्तर पूर्व में, बहुत सारी चीज़ें तो मजबूरी वश करी जाती हैं, क्या करें, फ्लैट्स में क्या कर सकते हैं, लेकिन पश्चिम बंद रखें। उत्तर अगर खुला नहीं भी है तो चलेगा, लेकिन पश्चिम खुल गया तो नुकसान निश्चित है। ऐसे लोगों के घर में तरक्की नहीं होती, स्वास्थ्य कभी बेहतर नहीं होता और घर के बच्चों के भाग्य उनके साथ नहीं देते। तो फिर ये ध्यान रखिएगा, वहाँ पेड़ पौधे लगा दीजिएगा। कौन कौन से पेड़ पौधे लगाने वहाँ, यह भी बताता हूँ जब मैं पेड़ पौधों की बात करूँगा। तो स्टोर वहाँ रखिए, कूड़े को वहाँ इकट्ठा कर दिया कीजिए और पेड़ पौधे वहाँ रख दिए तो संतुलन हो जाएगा। कुछ घरों में उत्तर उत्तर पूर्व में टॉयलेट हो जाता है, बड़ा गड़बड़ है, ये मत कीजिएगा, क्योंकि इसकी जगह है उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम में आप टॉयलेट बना सकते हैं, स्टोर भी ला सकते हैं। उत्तर पश्चिम को भी बंद रखेंगे तो अच्छा रहेगा। मान लीजिए ये सब संभव नहीं हो पा रहा किसी कारण से, तो क्या करें, आप कुछ गंदा पानी वहाँ पर रख दीजिएगा। जैसे सुबह आपने स्नान किया, स्नान करके थोड़ा पानी, एक मग्गा दो मग्गा बाल्टी में इकट्ठा कर लिया, छोटे से टब में इकट्ठा कर लिया, वो वहाँ रखा रहने दीजिए। क्या एक स्टैंड या एक स्टूल बना लीजिए, उस पर वह पानी रख दिया कीजिएगा, ढाक दिया कीजिएगा, बैलेंस होने लगेगा। एक और सूत्र लिखिए, दक्षिण दिशा, दक्षिण दिशा खुली मत छोड़िएगा। मजबूरी अगर है खुली छोड़ना तो एक अलग बात है, लेकिन आप अपने गेस्ट्स को दक्षिण में सुलाया करें और आपके बच्चों के जो बिस्तर हों, यानी पढ़ के जब वो आए तो दक्षिण के कमरे में यदि वो लेटते हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा है। अब मान लीजिए दक्षिण खुली है तो क्या करें, कुछ ख़ास पेड़ लगाएं, अभी बता रहा हूँ। दक्षिण पश्चिम वैसे बहुत शुभ दिशा नहीं होती, लेकिन आपकी अलमारी, आपकी तिजोरी या महत्वपूर्ण कागज़ रखने का स्थान वो इस दिशा में हो तो अच्छा है। अब अगर वहाँ इसके लिए कोई स्पेशल कमरा नहीं है तो क्या करें, जो भी कमरा हो उसके दक्षिण पश्चिम हिस्से में ही अलमारियाँ रख दीजिए। ख़ास ख़ास वाली अलमारी होती है, तिजोरी जिसमें होती है वो वहाँ रखिए और जो महत्वपूर्ण कागज़ हैं वो भी आप उसी में रखिएगा, महफूज रखिए, इसको लाभ होगा। दक्षिण पूर्व की बात करते हैं, यहाँ पर अग्नि स्थान हो, यहाँ मीटर आप रख सकते हैं, इन्वर्टर रख सकते हैं, जनरेटर रख सकते हैं और खाना बनाते वक्त दक्षिण पूर्व की ओर मुँह हो तो बड़ा अच्छा रहेगा। दक्षिण पूर्व में एक बड़ी खिड़की अवश्य होनी चाहिए जहाँ सूर्य की किरणें आपके रसोई घर के अंदर पड़े। रसोई घर के लिए तो ये सर्वश्रेष्ठ स्थान है और अगर आपकी रसोई दक्षिण पूर्व में है तो घर में राहु का प्रभाव बहुत कम होगा और वहाँ बैठ के यदि भोजन करें लोग तो राहु का प्रभाव बिल्कुल क्षीण होता चला जाता है। और जब भी राहु का प्रभाव या शनि का प्रभाव बुरा आने वाला होगा घर के लोगों पर तो दक्षिण पूर्व में जो रसोई या कमरा बना होगा उसमें क्रैक्स आने शुरू हो जाएंगे, लेकिन लोग सुरक्षित रहेंगे, उनके जीवन की बाधाएँ नहीं बढ़ेंगी।
देखिए कितनी बढ़िया बात है। अब फटाफट जानते हैं धनु मकर कुंभ और मीन राशि का हाल। धनु राशि, ये दिन आपके लिए बहुत अच्छा है, जम के मेहनत कीजिए, आपको लाभ मिलेगा, प्रतिष्ठा बढ़ती नजर आ रही है। एक सावधानी मगर जरूर रखिएगा, यदि आपको आंख गले सांस की कोई दिक्कत रहती है तो चिकित्सा सलाह ले लीजिएगा, अपने परहेज अच्छे से कीजिएगा और एक उपाय कर लें, इस दिन ओम नारायण नमो नमः का जप करें फिर अपने काम पर जुटें। मकर राशि, दिन बहुत अच्छा तो नहीं कहूँगा लेकिन भाग्य पक्ष बहुत बुरा भी नहीं है, इसलिए आपके द्वारा की गई मेहनत के परिणाम मिलेंगे, बस थोड़ा सा धैर्य जरूर धारण करें, एक सावधानी बरतिएगा, इस दिन भावावेश में आकर किसी को धन मत दीजिएगा और भोजन थोड़ा संतुलित लीजिएगा। उपाय क्या करेंगे इस दिन को बेहतर बनाने के लिए, सूर्य को जल दें फिर अपने काम पर जुटें, वो सब ठीक करेंगे। कुंभ राशि, स्वास्थ्य की दृष्टि से ये दिन बहुत अच्छा दिखाई नहीं दे रहा, घर के बुजुर्गों का भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होगा, घर के बुजुर्गों की आंखों में पेट में पीठ में कहीं कोई दिक्कत ना हो इस बात का ध्यान रखिएगा, और एक सावधानी आपको रखनी होगी, इस दिन गरिष्ठ भोजन नहीं करें, खासतौर से वो लोग जिनको एसिडिटी या पथरी की कोई दिक्कत रहती है। उपाय क्या करेंगे इस दिन को बेहतर करने के लिए, सफ़ेद वस्त्र पहने और वो संभव नहीं है तो दाहिनी कलाई में सफ़ेद रंग का धागा अवश्य बांध लें फिर अपने काम पर जुट जाएं। मीन राशि, धन की दृष्टि से दिन थोड़ा सा कमज़ोर दिखाई दे रहा है, घर के बच्चों का भी विशेष रूप से आपको ख्याल रखना होगा, इस दिन की एक विशेष सावधानी है, इस दिन वाहन चलाते वक्त ध्यान रखें और जिन लोगों को गले की सीने की पेट की पीठ की कोई दिक्कत रहती है वो भी ध्यान रखें। उपाय क्या करेंगे, हल्दी और चावल का दान ज़रूर कर दीजिएगा किसी ज़रूरतमंद को फिर अपने काम पर जुटिए, तो सब ठीक करेंगे। अब फटाफट नोट कीजिए दिन भर के शुभ अशुभ समय, पहले अशुभ समय नोट कीजिए, धूमुहूर्त रहेगा 12:39 से लेकर 1:28 तक दिन में, उसके बाद दिन में 3:05 से लेकर 3:54 तक बुलिक काल रहेगा, दोपहर में 1:46 से लेकर 3:17 तक यमगण काल रहेगा, सुबह 10:44 से लेकर दोपहर 12:15 तक, और राहु काल रहेगा सुबह 7:41 से लेकर रात में 9:12 तक। शुभ समय नोट कीजिए, अभिजीत मुहूर्त रहेगा 11:51 से लेकर 12:39 तक, और इस दिन आपको अमृत काल नहीं मिल रहा है दिन में। कुछ पौधे लिखाता हूँ, यदि घर की उत्तर उत्तर पूर्व और पूर्व दिशा कमज़ोर है तो इस जगह पर खूब सारे तुलसी के पौधे रख दीजिए और उन्हें स्वयं सींचा करें, यदि घर में पश्चिम का हिस्सा खुला हुआ है तो वहाँ पर गमले में आप पीपल लगा सकते हैं, रबड़ प्लांट भी गमले में लगा सकते हैं, इसके साथ साथ नाग चंपा भी आप उस स्थान पर लगा सकते हैं, ये बहुत शुभ फल देने वाली सिद्ध होती है, शमी भी गमले में आप लगा सकते हैं, ये भी बहुत शुभ फल देता है, इसके साथ साथ पश्चिम और उत्तर में कहीं कोई परेशानी दिखाई दे रही है जो मैंने बताए सिद्धांतों के अनुसार, तो आप वहाँ गमले में आम भी लगा सकते हैं और जामुन भी लगा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा बहुत सारे लोग शौक शौक में सूखे पेड़ पौधे घर में रखते उन्हें रंगते हैं, ऐसा मत कीजिएगा, दूध वाले पौधे यानी जिन पौधों को तोड़ने से दूध टपकना शुरू हो जाता है उन्हें घर में ना रखें, और यदि रखें तो हिफाजत से बालकनी में थोड़ा सा अलग करके रखेगा। इसके साथ साथ जो बहुत कांटे वाले पेड़ पौधे होते हैं उन्हें भी घर में रखने से बचें, हाँ छत पर रख सकते हैं या बगिया है तो उसमें दीवार के सहारे सहारे उसे आप लगा सकते हैं, तो इस प्रकार आपको निश्चित रूप से फायदा होगा। और अब वो विचार जो आपका दिन बना देगा, किसी ने क्या खूब कहा है, जब लोग आपकी नकल करने लगे तब समझिए अब आप जीवन में सफल होने लगे हैं। चलता हूं, भगवान गणपति की, देवी राधा जी की और भगवान विश्वकर्मा जी की कृपा आप पर बनी रहे। राम राम, नमस्कार, भारत माता की जय। ये है ABP न्यूज़, आपको रखे आगे।